हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आपको कार्स के बारे में, नई टेक्नोलॉजीज के बारे में, ऑटोमोबाइल पार्ट्स वर्किंग कैसे होते हैं, ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने को मिलती है। आज हम बात करने वाले हैं BMW G310 RR एंड TVS Apache RR 310 में इंजन रिवर्स क्यों होता है। इंजन रिवर्स मतलब इंजन उल्टा क्यों होता है। यहाँ आप डायग्राम देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर BMW G3 है एंड नीचे TVS Apache है, और इसका इंजन है वो रिवर्स साइड इंक्लाइंड होता है। तो इसके फ़ायदे क्या होते हैं ये हम आगे बात करेंगे। बेसिकली इंजन थ्री तरह के होते हैं, हॉरिजॉन्टल इंजन, वर्टिकल इंजन एंड इंक्लाइंड इंजन। हॉरिजॉन्टल इंजन पहले के ज़माने में यूज़ करते थे, इसमें जो पिस्टन की मूवमेंट होती है वो हॉरिजॉन्टली होती है। उसके बाद आ गया वर्टिकल इंजन। वर्टिकल इंजन में जो पिस्टन की मूवमेंट थी वो रेसिप्रोकेटिंग थी, और उसके बाद मतलब अभी जो बहुत सारी बाइक्स होती है उसमें इंक्लाइंड इंजन हमें देखने के लिए मिल जाता है। ये इंक्लाइंड होता है लेकिन फ्रंट इंक्लाइंड होता है। अभी हम देखेंगे कि फ्रंट इंक्लाइंड एंड रियर इंक्लाइंड में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। ये ऊपर आप देख सकते हैं कि ये जो नॉर्मल इंजन है जो हम सभी बाइक में देख सकते हैं, ये फ्रंट इंक्लाइंड होता है, लेकिन TVS Apache या फिर BMW G3 में जो इंजन है वो रियर साइड इंक्लाइंड है। तो इसके फ़ायदे क्या है अभी हम देखेंगे। इंजन को रियर साइड में रखने से जो मास होता है वो प्रॉपरली सेंट्रलाइज्ड हो जाता है। इस नीचे की डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो ये मास है वो ये आगे की तरफ भी हो गया है, लेकिन जो अगर हमें रियर साइड इंक्लाइंड अगर इंजन देखा तो ये मास प्रॉपर यहाँ पे सेंट्रलाइज होता है। इससे क्या होता है कि वाइब्रेशन भी कम होते हैं और ये मैक्सिमम पावर जनरेट करती है। ये हम नॉर्मल इंजन यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमें इनटेक पीछे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन एग्जॉस्ट यहाँ से आगे से निकाल दे, लेकिन इस TVS और BMW बाइक में जो इनटेक है वो आगे ही इन्होंने दिया है और एग्जॉस्ट की पाइप पीछे से निकाली गई है। जनरली बाइक्स में क्या होता है कि इनटेक पीछे रखते हैं और एग्जॉस्ट की पाइप आगे से होती है। इससे क्या होता है कि आने वाली जो एयर होती है वो गर्म हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि ये जब इंजन के ऊपर से बहती है तब ये इंजन का टेम्परेचर भी एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए ये हवा गर्म हो जाती है, और गर्म होने से इसकी जो डेंसिटी होती है वो थोड़ी सी कम होती है, मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से दूर रहते हैं। इससे जो गर्म हवा है उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी भी थोड़ी कम हो जाती है, इससे कंबशन पे थोड़ा इफेक्ट करता है और माइलेज भी हमें थोड़ा कम देखने के लिए मिल जाता है। BMW G3 में हमें जो एयर इंटेक है उसको आगे रखने के साथ साथ रैम एयर इंटेक भी उसके दिया गया है। रैम एयर इंटेक मतलब ये वाला हिस्सा, इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये जो है इसको रैम एयर इंटेक कहते हैं। इससे क्या होता है कि जो आने वाली एयर होती है वो उसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, वो डायरेक्ट कंबशन चैम्बर में जाती है, उसका प्रेशर भी कम होता है, इसलिए मैक्सिमम एयर कंबशन चैम्बर में जाती है। इससे हमारी इंजन का परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होता है और पावर भी बढ़ जाती है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने के लिए मिल गया हो तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और ऐसे नए टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए कमेंट करो, और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। चलो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद।